खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल विधानसभा सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा तमाशा मैंने लोकतंत्र में पहले कभी नहीं देखा। इस विधेयक का समर्थन तो सभी लोग कर रहे थे, यहां तक कि भाजपा ने भी इस विधेयक का समर्थन किया, लेकिन उस पर डिवीजन की बात की गई। और उससे भी तकलीफ की बात तो यह है कि किसानों की जो कर्ज माफी है उस पर चर्चा होनी थी, लेकिन उसको टाल दिया गया ताकि उस पर चर्चा ना हो पाए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि एक डरी हुई सरकार हमेशा ऐसा दिखाती है कि हम बड़े मजबूत हैं, लेकिन हमने पहले ही कह रखा है कि अगर सरकार गिरेगी तो अपने विरोधों से गिरेगी। वहीं जब उनसे पूछा गया कि भाजपा के दो विधायक कांग्रेस के समर्थन में चले गए, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष का तो कोई सवाल ही नहीं है, हम तो सभी इस विधेयक के समर्थन में थे। ऐसा तमाशा मैंने लोकतंत्र में कभी नहीं देखा, और कर्ज माफी पे चर्चा ना हो और सच सामने आएगा, इससे भी सरकार डरी हुई है। यहाँ तो सरकार रहेगी ना रहे इसका सवाल ही नहीं। ये तो कभी एक विधेयक का मामला था। भारतीय जनता पार्टी ने कोई इस विधेयक का विरोध ही नहीं किया, समर्थन का कोई सवाल ही नहीं था। जो डिवीजन में दो विधायक उस तरफ गए उनके खिलाफ भी एक्शन हो, कुछ यहाँ कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल ही नहीं था, सभी उस तरफ थे। सर, दो विधायक अभी सीएम के साथ बैठे हुए हैं, बोल रहे कि हमने इनका साथ दिया। देखिए, ये पक्ष और विपक्ष का सवाल ही नहीं था, सर्वसम्मत मामला था और उस पर कोई जीता कोई हारा ही होते। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।